900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। ये है मालती देवी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजु शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो मालती देवी अनुपमा से अब टक्कर लेने की प्लानिंग कर रही है। अभी तक तो वो ऑब्जर्वेशन मोड में है कि क्या हो रहा है, अनुपमा के अप्रोच कहां तक है, कैसे चीजें आगे बढ़ रही हैं। हर पल में वो परेशान हो रही है कि अनुपमा 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 हो रहा है, और इसी वजह से अब वो तैयारी कर चुकी हैं अनुपमा से टक्कर लेने की। और ये कब कर रही हैं? जब पूरा जीवन जी चुकी हैं, पूरा अपना करियर बना के, अपनी फेम जिस जो चाहिए था वो लेके, अपना जो भी कुछ उनको जिंदगी में करियर में चाहिए था वो सब पाके अपने बच्चे की कॉस्ट पे, अब वो घर में अपना घर बनाना चाहती है, मेरा घर बनाना चाहती है। चलिए इस पे चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो इसीलिए मैंने अपने टाइटल में ये कहा कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली मालती देवी। मालती देवी ने अपने इतने सालों में वो सब कुछ किया जो मालती देवी को करना था। अब मालती देवी मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा, मेरे बेटे को ये करना चाहिए, उसकी वाइफ को ये करना चाहिए, ये कर रही है। तो ये अब कौन सा बेटे पे प्यार जो है अपना बरसा रही है? अब मालती देवी के प्यार की उसके बेटे को जरूरत भी नहीं है। अनुज ने क्या कहा कि उसकी मां ने उसको ये सब करना सिखाया है कि बेटा बेटी एक समान होते हैं, बेटों को भी किचन में काम करना आना चाहिए। ये अनुज की मां कपाड़िया, मिसेस कपाड़िया जो थी, उन्होंने सिखाया है। ये सारे संस्कार अनुज के उसी मां ने डाले हैं, जिसकी वजह से आज अनुज सबको पसंद आ रहा है। अगर मालती देवी ऐसे संस्कार डालती जो उसमें है, तो आज अनुज भी विलन की कैटेगरी में खड़ा होता। आज उसको अपने ही बेटे की खुशियां बुरी लग रही हैं। बेटा अपनी पत्नी अपने बच्चे के साथ खुश है तो मैडम वहां पे खड़ी है, जल रही है कि ये तो अनु अनु कर रहा है। बात यहां पे ये है दोस्तों कि अगर उसने आपको डिसरिस्पेक्ट किया हो, तब आप बोलो कि मेरा बेटा मेरी बात नहीं सुनता है। मगर आपका बेटा आपकी बात क्यों नहीं सुनता है ये आपको पता है, क्योंकि आपकी वजह से नहीं सुनता है, क्योंकि उसने आपको मां माना ही नहीं है, इसलिए आपकी बात नहीं सुनता। और अनुपमा की बात सुनता है क्योंकि अनुपमा ही उसका संसार है, और आपने अपने बेटे के संसार को ही उससे छीनना चाहती हो। तो ये आपका हज भी नहीं है, ये आपका कोई प्रायश्चित नहीं है, ये आपका फिर से जो रोमिल ने कहा वो है। क्योंकि रोमिल ऐसा बच्चा है कि जो अंदर से चीजों को पकड़ लेता है, इसलिए उसको जो है ये चीजें समझ में आती हैं, ये पॉलिटिक्स समझ में आती है, चाहे वो बरका की हो चाहे वो मालती देवी की हो। बोल इसलिए नहीं पाता क्योंकि अभी उसकी उम्र नहीं, अभी वो बच्चा है, इसलिए वो अनुपमा अनुज को ये सब बातें बता नहीं सकता, क्योंकि उन लोगों को ये अच्छा नहीं लगेगा कि इतने बड़े जो उम्र से इतने बड़े हैं उनके लिए रोमिल ऐसी सोच रखे, जबकि उनको खुद भी पता है कि मालती देवी किस तरफ जा रही है। अब मालती देवी टक्कर की तैयारी में है, वो पाखी को मैनुपलेट करेगी, रोमिल के साथ लड़ाइयां कर रही है, और बार बार हर किसी के दिमाग में ये डालने की कोशिश कर रही है कि ये मेरा घर है, अनुपमा से ऊपर मैं हूं क्योंकि मैं अनुज की मां हूं, वो हक जता रही है। तो भैया इतने सारे पाप किए हैं आपने इतनी उम्र तक, उनको तो पहले धो लो, फिर आप बात करो मेरे बेटे की मेरे घर की। वो करना नहीं है, नए पाप शुरू कर दिए हैं। बरखा यहां पे मस्त खेल रही है, बरखा बार बार उसको पिन कर रही है, बता रही है कि हाँ जो सीन में कहा कि अंकुश कर लेगा मीटिंग अटेंड, उसको तो अनुपमा के पीछे ही जाना है। मुझे ये बात समझ में नहीं आती है कि जब अनुज ने ही सारा बिजनेस संभालना है, वो अंकुश से संभलवाए या किसी से करवाए, वो है हेड, वो कर लेगा। आप ये खामखा की टेंशन लेके टेंशन को घर में बढ़ा के क्या कर रही हो? और फिर अनुपमा से कहती है कि बहू पे डिपेंड करता है कि सास कैसी हो, मतलब सास बनना उसने पूरी तरह से ठान लिया है। अनुज उसको मां माने ना माने, मगर
वो अनुपमा की सास बन गई है और इस सास को कैसे ठीक करना है ये अनुपमा अच्छे से जानती है। तो ये जो अब मालती देवी करने वाली है ये अपना ही खड्डा खुद खोद रही है, क्योंकि ना तो पहले ऐसी चीजें एक्सेप्टेबल थी अनुज के लिए ना आज होंगी। और अनुज की अनुपमा को अगर कोई कुछ कहता है तो ये अनुज कभी भी बर्दाश्त नहीं करता है, चाहे वो घर पे रहे उसका अधिकार रखे अनुज, मगर वो अनुपमा को अगर दूर करने की कोशिश करेगी तो जैसे बरखा को अनुज सुना देता था वैसे ही इसको भी सुना देगा, क्योंकि अनुज का बार बार अनुपमा को ये कहना कि मेरा साथ मत छोड़ना, मेरे लिए सिर्फ तुम ही हो, ये बहुत मायने रखता है दोस्तों कि क्या है इनका रिश्ता। तो ये जो अब मालती बिल्ली है, देखते हैं आगे क्या क्या करती है। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट चैनल, थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.